दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं, अब आजकल बॉलीवुड की फिल्में हॉलीवुड की फिल्मों से कुछ कम नहीं है। बीते सालों में VFX भारतीय फिल्मों में इतना पॉपुलर नहीं था, और जब बॉलीवुड फिल्म बाहुबली रिलीज हुई, दोस्तों असल जिंदगी में ये सीन्स बिल्कुल असंभव और नामुमकिन है। और जब इसके बारे में जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि इसके पीछे VFX टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हॉलीवुड में सबसे ज्यादा सीन्स हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें VFX तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, फिल्म बाहुबली में सबसे ज्यादा VFX का इस्तेमाल हुआ। इस फिल्म में भल्लाल देव को सांड से लड़ते हुए दिखाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि असल में उस जगह सांड का नकली सर दिखाया गया था, जिसे बाद में VFX की मदद से असली सांड का रूप दे दिया है। पर हीरो अपने सिक्स पैक एब्स बनाने में लगा हुआ है, और ये ट्रेंड सलमान खान से ही शुरू हुआ था, जिस वजह से लोग बॉडी बनाने के दीवाने हो चले। और दोस्तों, बेशक सलमान खान बहुत ही फिट और फाइन हैं, लेकिन उम्र का तकाजा भी तो सबके साथ होता है, और हम सभी जानते हैं कि इतनी ज्यादा उम्र में सिक्स पैक एब्स बनाना कितना मुश्किल है। और इसलिए फिल्म में सलमान खान को कम उम्र का दिखाने के लिए तो बैंग बैंग मूवी में ऋतिक द्वारा फिल्माया गया ये सीन तो आपको याद ही होगा, जहां वो आग के सामने से स्टाइल से वॉक करते हुए आगे जाते हैं। आप ही सोचिए, किसी के भी पीछे इतनी भयानक आग लगी हो, क्या उसकी वॉक इतनी स्टाइलिश हो सकती है? क्योंकि आग की गर्मी तो में ऋतिक रोशन सिर्फ हरे पर्दे के सामने इतनी स्टाइलिश वॉक कर रहे हैं, असल में तो आग लगी ही नहीं है। ये सारा खेल भी VFX का था, जिसमें हरे पर्दे को आग में बदल दिया गया। दोस्तों, फिल्मों में किसिंग सीन्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ सीन्स बिल्कुल ही रियल होते हैं। VFX द्वारा फिल्माई गई बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड की फिल्में सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपको VFX द्वारा फिल्म और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।